आइए आज के इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करते हैं कि वकोला विलेज रोड कदमवाड़ी शांता क्रूंज ईस्ट वार्ड 91 कालीना विधानसभा का ये क्षेत्र है जहां पर रात को देर रात तक भी सड़क बनाने का काम चालू है। क्यों चालू है? क्योंकि यहां के लोग बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर शिकायतें की गई हैं, उनको बीएमसी को लिख करके दिया गया है कि लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, उनकी जान को धोखा है, कई लोग गिर के घायल भी हुए हैं, पानी जमा हो रहा है, लेकिन इनके बीएमसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और उससे पहले इन्होंने ठेकेदार को बाकायदा ये कह करके भेजा, पहले मिट्टी डाली, फिर थोड़ा सा सीमेंट डाला, फिर थोड़ी सी उसको मेकअप जैसा करते हैं ना, जिसे कहते हैं मेकअप, वो सब करने के बाद अंत में जा कर के इन्होंने ये डामर का काम शुरू किया। क्या कहेंगे अब इसको, बताइए क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो पैसा है ये आम जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है। ये किस तरीके से बीएमसी बर्बाद कर रही है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि लाख शिकायतों के बाद जा कर के कुंभकर्णी नींद इनकी खुलती है कि हाँ भाई हमें ये काम यहाँ करना है। आप देखिए सड़क बन रही है और वो आवाजाही भी चालू है वहाँ से, मतलब ये कुछ भी क्वालिटी काम नहीं है। ये भी जो बन रहा है ये भी कुछ ही दिनों के अंदर है ना, इसका ये पूरा प्लास्टर निकल जाएगा, सड़क निकल जाएगी, वापस गड्ढे पड़ जाएंगे। ये कुछ ही समय के लिए ये काम हो रहा है, ये दिखाने भर का ये ठेकेदारों का काम चलता है, लेकिन इनके ऊपर किसी की जवाबदेही नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि भाई ये तुम जो ये काम कर रहे हो ये किसके कहने पे किस तरीके से कर रहे हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो? अगर ऐसा है तो ऐसा काम इनको नहीं करना चाहिए, और अगर कर रहे हैं ये तो इनके ऊपर जवाबदेही बनानी चाहिए, इनको जवाबदार बनाना चाहिए, ताकि ये जनता के पैसों का इस तरीके से बेजा इस्तेमाल नहीं कर सके। अब देखिए ये वार्ड 91 की तस्वीरें हैं जहाँ एक्स कॉरपोरेटर सुभाष सावंत ने लगातार इनके ऊपर प्रेशर बनाए रखा, इनके ऊपर शिकायतें करते रहे, लोगों के लिए काम करते रहे, और एमबी न्यूज़ के पत्रकार आम आदमी पार्टी के यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं अनिल वर्मा, वो भी यहाँ के इलाके के लिए लगातार बीएमसी के ऑफिसरों के संपर्क में थे, और एमबी न्यूज़ की लगातार कवरेज भी 91 वार्ड और 89 वार्ड के लिए आती रही है, जिससे भी इनको थोड़ा लगने लगा था कि काम करना ज़रूरी है। लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं वो भी जानना ज़रूरी है। चालू बारिश में ये सड़क का काम कैसा होता है भाई, कोई करता है क्या रनिंग बारिश के अंदर? लेकिन करना मजबूरी है, क्योंकि इनको जब पाँच छः महीने पहले का समय मिला था, गर्मियों का समय था, उस वक्त में कॉन्ट्रैक्ट पास करके ये कर सकते थे, लेकिन ये इनकी नींद बड़ी मुश्किल से खुलती है ना, इनकी जो कुंभकर्णी नींद है, सरकारी नींद है, वो बड़ी मुश्किल से खुलती है। खैर कहना तो इतना ही होगा, देर आए दुरुस्त आए, चलो अभी सही, लोगों की जान को थोड़ा तो सुकून मिलेगा कि भाई हाँ यहाँ पे काम हो रहा है। आप भी देखिए किस तरीके का काम हो रहा है और फॉलोअप कीजिए। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।